हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो के साथ। और आज हम लेकर आए हैं आपको पॉलिटेक्निक के नेक्स्ट सॉल्यूशन, जिसमें हम प्रोवाइड कराने वाले हैं 14.3 का लास्ट एंड फाइनल सॉल्यूशन। अब तक की वीडियो में हमने आपको 50 तक यानी हाफ सेंचुरी तक के क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए थे। मुझे उम्मीद है आपने पूरे कर लिए होंगे और आज हम 51 से लेकर इसका फाइनल सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। ओके, बाकी बात वीडियो को लास्ट में करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। तो दोस्तों 51 क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू cosec इनटू log sin x। कैसे करना है वही, फर्स्ट इनटू सेकंड लगा के इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, उसके बाद में करेंगे। कैसे करते हैं, लेट्स प्ले। देखिए इसे फर्स्ट करेंगे, इसे सेकंड करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इट कम्स dy / dx। दोस्तों फर्स्ट इनटू सेकंड, फर्स्ट एज इट इज dy / dx सेकंड प्लस सेकंड ऐसे और dy / dx फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स cos x। नेक्स्ट स्टेप है बच्चों cos x, इस log के लिए हम पीछे से सीखते आ रहे हैं, ये x का काम करेगा, log x का 1 upon x इंटू ये 1 upon x और फिर दोस्तों sin x का cos x प्लस log x ऐसे ही। दोस्तों cos x का क्या होता है, माइनस sin x, वो हमने यहां लगा दिया, राइट। अब हमने क्या करा, ये cos x हमारे पास ये रहा और दोस्तों cot x ये रहा, माइनस का ये बन गया हमारे पास sin x इंटू log sin x। तो अभी आंसर आने वाला हमारे पास यानी कि माइनस sin x, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन बुक में आपको यहाँ दिया है log x यानी log sin x प्लस cos x इंटू cot x, ये cot x इंटू cot x कैसे लिख लें, इनटू कॉस, ये आपस में भी हो सकते हैं अलग अलग, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि चाहे कोट को पहले लिख लो चाहे कॉस को पहले लिख लो, मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ेगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। बॉक्स में बंद कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 52 क्वेश्चन, y इक्वल टू 4 sin x स्क्वायर इनटू log 5 sin x प्लस 6। यहां पर वही तरीका अपना, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो थोड़ा सा स्टेप लंबा ना हो जाए, इधर से लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट कम्स डीवाई अपॉन डीएक्स। दोस्तों फर्स्ट एज इट इज डी अपॉन डीएक्स सेकंड प्लस सेकंड ऐसे ही इंटू डी अपॉन डी एस फर्स्ट। अब आता है इसका नेक्स्ट स्टेप, दोस्तों ये हो गया 4 साइन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग के लिए पूरा एक्स हो गया, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू इसका करेंगे 5 साइन एक्स का कॉस एक्स और प्लस का कॉन्स्टेंट नंबर 0 प्लस ये रहा और नेक्स्ट स्टेप ये रहा इंटू लॉग 5 साइन एक्स प्लस 6 इंटू 4 एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। अब हम आते हैं अगले स्टेप की तरह, इधर लिखते हैं और ये हो गया हमारे पास दोस्तों 4 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में चल रहा है इसके ये 5 sin x plus 6, 5 sin x plus 6 plus into में 5 cos x भी है, 5 cos x भी into में, इसे ब्रैकेट में बंद कर लिया, प्लस 2 4 जाए 8, 8x cos square x यानी 8x cos square x नहीं cos x square into log 5 sin x plus 6 ये आ गया, ठीक है। अब हम इसका अगला स्टेप करते हैं, ये रुक। तो दोस्तों ये आ गया 8x cos x square इंटू में log 5 sin x plus 6 प्लस 5 4 जा 20 साइन एक्स स्क्वायर
साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन में फाइव साइन एक्स प्लस का सिक्स। यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया है। हालांकि ये आंसर आपके आंसर शीट में नहीं है, लेकिन ये हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, तो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। उसमें लॉग नहीं आ रहा है और ये अपॉन में सिर्फ ये है, तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। सिंपल चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। दोस्तों लॉग इसका वन अपॉन एक्स आ गया, ये इसका साइन इसका कॉस आ गया, लेकिन लॉग तो रहेगा ना, क्योंकि लॉग ऐसे ही रहेगा और इसका चेंज हो गया तो लॉग तो हमें शामिल रहेगा, इसलिए लॉग उसमें आंसर शीट में दिया नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, 53 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल है। इनमें सब में क्या करना है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, ई की पावर एक्स का फॉर्मूला, सम एक्स का फॉर्मूला, कॉस एक्स का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले एक साथ में लगा देते हैं। देखिए कैसे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स। दोस्तों ए एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये धोखे से यहाँ आ गया, वैसे शुरू में देना चाहिए था। ठीक है अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों 54 क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log बेस 10x प्लस log बेस में x है 10 की वैल्यू प्लस log बेस 10 और फिर 10 और फिर बेस x फिर x। दोस्तों ये देखिए, ये वैल्यू तो हमें याद होती है कि log का अगर जो बेस हो वही इसकी वैल्यू हो, तो दोनों अगर सेम सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ऐसे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। राइट बचते हैं ये, इनको कैसे करते हैं लेट्स सी। देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला लगाएंगे हम log बेस 10 बेस a पर, ठीक है, और इसका हमें बेस चेंज करेंगे, तो अभी हम आपको सिखाते हैं कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों ये वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू भी 1 हो गई। अब हमें क्या कैसे बेस चेंज करते हैं दोस्तों, देखिए log बेस में मान लिया हमने a है, कुछ भी मान सकते हैं, सपोज कर लिया हमने a है और इसका एंगल में b है। राइट इसका बेस जो a है इसको हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल कंडीशन लगाएंगे, log लिखेंगे अपॉन में log लिखेंगे। राइट अब जो बेस हमें लेना है अपनी मनपसंद का, मान ले e लेना है, a लेना है, कुछ भी लेना है, हमें यहां पर e लेना है क्योंकि हमें log e बेस पर फॉर्मूला याद होता है, तो अपनी मर्जी से वो e दोनों बेस पर लगा देते हैं, जो भी लेना चाहे आप वो लगा देंगे। आप ये देखिए इसमें ऊपर और नीचे देखें तो b ऊपर लिखा हुआ है, a नीचे लिखा हुआ है, तो जो ऊपर है वो ऊपर वाले लॉक के साथ में एंगल में, और जो नीचे है वो नीचे लॉक के साथ में। इसको ऐसे ब्रेक करते हैं। राइट देखिए कैसे करते हैं इसको, लॉग बेस 10x प्लस लॉग ई बेस अपॉन लॉग ई बेस, ऊपर है 10 और नीचे है x, ये लगा दिया प्लस 2। सॉल्व हो गया, अब करेंगे नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर लिखते हैं। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन इधर आ गया dy अपॉन dx log बेस x पर, फॉर्मूला में याद है ऑलरेडी डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस एक्स पर होता है वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ए बेस ई, जो ए होता है ये ई, ये हमारा फॉर्मूला होगा पहले सी में याद होता है, यही फॉर्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ए बेस ए मीन्स टेन बेस ई प्लस, ये कॉन्स्टेंट हो गया दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है, ई बेस टेन इंटू डी अपॉन डी एस करना था हमें, ये नीचे है तो इसको हम ऊपर ले आएंगे नेगेटिव पावर के साथ में, और दोस्तों कांस्टेंट बचा टू, टू का जीरो, तो ये वैल्यू आई हमारे पास लॉग बेस टेन ई अपॉन एक्स प्लस लॉग ई बेस टेन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस टू इंटू लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू होगी वन अपॉन एक्स, साइड में भी लिख सकते हैं अपॉन में लिख सकते हैं, ई माइनस साइन ये आ गया, वन अपॉन एक्स ये आ गया, ई बेस टेन
इनटू अपॉन में लॉग ई बेस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी सकते हैं, और यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, वन अपॉन एक्स कॉमन भी ले सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब 55 से लेकर 69 तक के क्वेश्चन जो भी हैं वो अब हमें प्रूफ करने हैं। उसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड दी होगी और राइट हैंड साइड के कॉल लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो 55 से लेके 69 तक के क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड लाते हैं। ओके, लेट्स सी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स बाई टू, वही डिफरेंशिएशन, टेन के लिए पूरा एक्स का काम करेगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स का हो गया वन दोस्तों, वन अपॉन टू, तो सेक स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। दोस्तों कॉस टू का फॉर्मूला याद रखने हमें, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर ए, और एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तीनों कॉस टू के फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन फॉर्मूले से अगर पहले वाले फॉर्मूले से इस कॉस स्क्वायर का मान निकाले हम, तो याद रखना हमेशा वन प्लस का कॉस टू ए, एंगल में ए एक्स थीटा कुछ भी ले सकते हैं ऑन टू, और यदि दूसरे वाले से निकालें साइन स्क्वायर का मान, तो दोस्तों ये आएगा वन माइनस का, तो ये दोनों चीजें दोस्तों हमें डायरेक्ट भी याद रखनी है कि कॉस स्क्वायर में वन प्लस कॉस टू अपॉन टू आता है और साइन स्क्वायर में वन माइनस कॉस टू अपॉन टू आता है। देखिए, और अगर हाफ एंगल होगा तो दोस्तों टू यहां से हट जाएगा, हाफ एंगल में आ जाएगा, कैसे इसे लिख सकते हैं हम, वन प्लस कॉस टू ए, अगर हाफ एंगल में तो टू नहीं आएगा, यानी एक्स अपॉन टू, ये दोस्तों इसका कैंसिल हो जाएगा, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हो गया हमारे पास दोस्तों राइट हैंड साइड, एक लाइन लिखेंगे पूरी तरीके से, क्या जब राइट हैंड साइड आ जाए क्या, सो का साइन लगा के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बॉक्स में वन करेंगे और कोने में लिख देंगे प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी डबल अंडरलाइन, थोड़ी खूबसूरती है, अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों 56 डी अपॉन डी एक्स लाना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एक्स टेन एक्स बाई टू, दोस्तों फर्स्ट इंटू सेकेंड, अब आप काफी प्रैक्टिस में हो गए होंगे, तो इसको हम लिखते हैं फर्स्ट एज इट इज टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का वन वन अपॉन टू प्लस सेकेंड एज इट इज और एक्स का वन। दोस्तों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इनको देखते हुए प्रूफ करना है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं तो राइट हैंड साइड का भी आंसर लाना है। अब देखिए आंसर में साइन कॉस का मान है, तो इसका मतलब क्या करना है हमें, साइन कॉस में चेंज कर लेना है, इट कम्स एक्स अपॉन टू नीचे है ये कॉस स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, और इसका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, दोस्तों बचेगा एक्स प्लस कॉस से कॉस कैंसिल टू कॉस, यानी ये बना हमारे पास टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। दोस्तों ये फॉर्मूला किसका रखा है, साइन टू का फॉर्मूला, राइट, लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप समझदार हैं इसमें, साइन एक्स हाफ एंगल में हो गए अपॉन फिर वही टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, अब ये हमने सिखाया था आपको डायरेक्ट इसको लिखना कॉस स्क्वायर को, तो ये लिखेंगे हम कॉस टू के फॉर्मूले से, हाफ एंगल में है तो यहाँ टू नहीं आएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, सो का साइन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बॉक्स में वन कॉर्नर में प्रूव्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 57 है डी अपॉन डी एक्स लॉग सेक एक्स बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू टेन एक्स बाई टू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, इसको भी कैसे करते हैं, लेट्स सी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट साइड हो गई डी अपॉन डी एक्स लॉग सेक एक्स बाई टू। तो दोस्तों लॉग के लिए पूरा एक्स हो गया है, तो लॉग एक्स का क्या हो गया वन अपॉन एक्स इंटू, फिर इसका करेंगे सेक एक्स, सेक एक्स का हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर दोस्तों इसका करेंगे एक्स का वन हो जाएगा और नीचे टू एज इट इज ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा दोस्तों फाइनल आंसर होगा वन बाई टू टेन एक्स बाई टू, यही राइट हैंड साइड हो गई। फिर वही सो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ब्रैकेट वन और कोने में क्या लिखेंगे पी आर ओ वी डी राइट। तो दोस्तों 58 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अब इस क्वेश्चन में एक लॉग दे दिया है और उसके साथ में ये इसका एंगल दिया है और राइट हैंड साइड में लाना है, तो कैसे करना है इस लॉग के लिए पहले पूरा एक्स काम करेगा, लॉग एक्स का वन ऊपर लगाएंगे फिर इसका करेंगे फिर यहाँ पर एक्स की पावर एन लगा देंगे, ठीक है कैसे करते हैं लेट्स सी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स का वन, यहाँ पर एक्स ही पार इनका फॉर्मूला टू एक्स वन का जीरो आ गया दोस्तों, टू से टू कैंसिल इट कम्स एक्स प्लस और वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। दोस्तों इसके नीचे एक कैल्शियम विलंगम इधर करते हैं वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और एलसीएम लिया इधर को आगे एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स अपॉन, देखिए दोस्तों दोनों प्लस में इधर लिख लें इधर लिख लें एक जैसी बात हो जाएगी, इट मीन्स इट विल बी कैंसिल्ड और जो बचा हमारे पास फाइनल आंसर यानी ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। सो कोसाइन और यहाँ वही प्रूफ ओके। दोस्तों 59 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सी बढ़िया दे रखी है लॉग में दे रखा है, पहले लॉग का फॉर्मूला आए लॉग का एक्स मान तो वो वन अपॉन एक्स और फिर इसका जब करेंगे तो दोस्तों अंश बटे हर लगेंगे राइट, उसके बाद में फिर क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और ये लेकर आते हैं थोड़ा टिपिकल है कोशिश करते हैं लेट्स सी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों डिफरेंशियल लॉग एक्स वन अपॉन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इसका करेंगे दोस्तों ये ऊपर आ गया ये हो गया वन माइनस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स और ये लगाएंगे हम अंश बटे हर लाइन कीजिए हर का स्क्वायर हर ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स अंश वन का जीरो साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस अंश इंटू हर वन का जीरो साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स। अगला स्टेप इधर लिखते हैं दोस्तों इससे एक पावर हम यहाँ कैंसिल कर देंगे तो इट कम्स और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बाहर ले लेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स वन माइनस का साइन स्क्वायर एक्स ये बाहर हो गया। अब इधर क्या बचता है दोस्तों कॉस एक्स ये बचा कॉस एक्स वन माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स दोस्तों कॉमा ले लिया इट मीन्स टू कॉस एक्स अपॉन
वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो दोस्तों ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया, इट मीन्स टू अपॉन कॉस एक्स। आई थिंक यही हमारा आंसर है, राइट। तो बधाई साहब आपका आंसर हो गया आपका ये। सो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बॉक्स में बंद, वही कॉर्नर में प्रूव्ड। दोस्तों ये हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है, इससे आपके थोड़ी सी कॉपी बहुत बढ़िया करके चेक होगी और एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। 60 क्वेश्चन 59 की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम है, वहाँ कॉस की जगह साइन की जगह कॉस आ गया। तो लेट्स सी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे नहीं दोस्तों, इस आपके लिए हम होमवर्क ले देते हैं, आप इसे ट्राई करिएगा और हो जाएगा। हिसाब करिए डी वाई एस डू योर सेल्फ, ठीक है, कोशिश करिए आप भी, हो जाएगा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, 61 को करते हैं। बिल्कुल ये भी सिंपल है, डी अपॉन डी एस है ना, तो फर्स्ट सेकंड तो लगेगा नहीं क्योंकि बीच में माइनस है, इसका अंदर आ जाएगा और अलग लग जाएगा, ठीक है। लेट्स सी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इट कम्स अपॉन फोर। देखिए दोस्तों डी अपॉन डी एस अंदर गया, एक्स का वन कर दिया, वन अपॉन टू, ये वन अपॉन फोर साइड में लिख लिया, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, इन टू एक्स का वन टू ये आ गया, टू से टू ये कैंसिल हो गया, ये वन बाई टू कॉस टू एक्स, वन बाई टू कॉमन, वन माइनस कॉस टू एक्स, कॉस टू इसका फॉर्म लगाएंगे, साइन वाला इससे वन कैंसिल हो जाए और देख लीजिए आंसर भी साइन में आ रहा है, प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स, वन से वन कैंसिल। इजी क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन तो निकल गए, बहुत आराम से हो रहे हैं आप तो। सो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ, ओके। नेक्स्ट दोस्तों 62 क्वेश्चन बिल्कुल 61 की तरह है और ये आपको अपना आप करना है। देखिए ईमानदारी की बात है, बिल्कुल सेम टू सेम है और थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हमने कॉस टू का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में खोला था, आपका कॉस के फॉर्म में खोलना है, आंसर आएगा और मुझे उम्मीद है आप इसे कर लेंगे। यू विल हैव टू ट्राई योर सेल्फ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 63 और 64 ये अब दोनों एक जैसे हो गए, इसमें हम 63 आपको करा रहे हैं, 64 आपको खुद करना है। तो 63 लेट्स सी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड डी अपॉन डी एक्स 3/4 साइन एक्स प्लस 1/12 साइन 3x। तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास 3/4 साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस 1/12 साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू 3/4 12 1/4 बार 3 कॉस एक्स प्लस का कॉस 3x। अब दोस्तों आंसर हमें देखिए, इसलिए हमें कॉस 3 का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए, कौन कौन से, साइन 3 है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए एंड कॉस 3 ए, ये होता है दोस्तों 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, ओके। तो दोस्तों ये फॉर्मूला यहां लगाते हैं, 1/4 3 कॉस एक्स कॉस क्यू का फॉर्मूला ये रखा है, 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स और ये कैंसिल हो गया। दोस्तों आंसर आने वाला हमारे पास 1/4 इंटू 4 कॉस क्यू एक्स, इससे कैंसिल कॉस क्यू एक्स, यही दोस्तों राइट हैंड साइड आ गई और इसलिए का निशान लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स अवर प्रूफ, एवरीथिंग प्रूव्ड, ठीक है। अब दोस्तों 64 जो क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करना है। ये देखिए दोस्तों 64 जो अभी आपको हम बता रहे थे बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें क्या करना है, साइन 3 का फॉर्मूला लगेगा, अब आप इसको यूज करेंगे अपने आप, ठीक है, यू विल डू योर सेल्फ। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, राइट दोस्तों। 65
और 66, अब ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें 65 आपको हम कराना है, 66 आपको अपना आप करना है। लेट्स सी टेकिंग टेकिंग लगा टी ए के आई एन जी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स प्लस 1/3 टेन क्यू एक्स। दोस्तों डिफरेंशिएशन ये अंदर गया, टेन एक्स का कर दिया sec स्क्वायर एक्स प्लस 1/3 एक्स की पावर एन 3 टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स, राइट sec स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स ये दोस्तों कॉमन आ गया, क्या बन गया 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, और ये टेन स्क्वायर एक्स कितना बन गया sec स्क्वायर एक्स, यानी ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास sec, मतलब आंसर आ गया हमारे पास sec की पावर 4। यही हमारे पास राइट साइड आ गई, फिर वही लिख देंगे सोका साइन आगे लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड बॉक्स वॉज प्रूव्ड। ठीक है, अब दोस्तों फॉर्मूले जो यूज है मैं लिख देता हूँ आपको, ये 1 sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये 1 cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ये 1, ये तीन फॉर्मूले हमारे यूज हो रहे हैं इसमें, जिसमें हमने ऐसा यूज कर लिया sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, समथिंग जो भी बनेगा यूज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। 266 हम आपको बता रहे थे सेम टू सेम 65 की तरह, वो हमने आपको करा दिया और ये आपको अपना आप करना है, बैलेंस बनाएंगे, उम्मीद आप कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों 67 हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स ये, और इसे लाना हमें राइट हैंड साइड में ये, तो इसको अंश बटे हर से होगा ये हमारा क्वेश्चन। देखिए कैसे करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड डी अपॉन डी एक्स हर का स्क्वायर, हर ऐसे अंश का डिफरेंशिएशन एक बार इसका एक ही पार एक्स, एक ही पार माइनस का माइनस आ गया माइनस अंश, और दोस्तों ये हमारे पास हो गया हर का, हर का हो गया एक ही पावर एक्स माइनस माइनस प्लस एक ही पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप है इसका, ये होल स्क्वायर बन गया एक बार एक्स एक बार माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर बन गया ये एक बार एक्स प्लस एक बार माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में दोस्तों जैसे चल रहा है वही चलता रहेगा, राइट। अब हमें इस स्टेप को ऊपर लिखना पड़ेगा, तो ये है नेक्स्ट स्टेप ए माइनस बी, तो माइनस खोलना इसका इंटू ए प्लस बी प्लस बी, अपॉन में इसका होल स्क्वायर। तो दोस्तों कुछ कैंसिल हो रहा है, ये पावर प्लस प्लस वाले यहां कैंसिल और यहां माइनस वाले कैंसिल, दोस्तों यहां पर हो गया माइनस का 2 की पावर माइनस एक्स इंटू 2 की पावर प्लस एक्स, 1 की पावर एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोस्तों 2 × 2 = 4 वही की पावर एक्स माइनस वही की पावर एक्स प्लस एक साथ हो गई की पावर एक्स 0 हो गया ये पावर में, जीरो। और दोस्तों किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। दोस्तों यही हमारी राइट हैंड साइड हो गई, क्या लिख देंगे 100 का साइन लगा देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बॉक्स में 1, और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, राइट। दोस्तों 68 डी अपॉन डी एस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको करने के दो तरीके हैं दोस्तों, टेन इनवर्स का या एंगल मानते हुए टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एस इसका करेंगे, फिर यहाँ अंश बटे हर लगाएंगे, एक तरीका तो ये हो गया, ये थोड़ा सा लेंथ हो गया, इसमें थोड़ा सा अगर हम लेट करके कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, कैसे लेट्स सी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेन इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला कैसा रखा है, 2 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 2 का फॉर्मूला होता है 2 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसे लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट x इक्वल टू थीटा कुछ भी लेट कर लें, तो सपोज कर हमने 10 ही लेट कर लिया, तो इट कम्स, अब डिफरेंशिएशन करना नहीं है, लिखते रहेंगे ऐसे 10 बस ही हो गया 2 10 ही अपॉन 1 माइनस का 10 स्क्वायर है, दोस्तों ये हो गया 10 2 का फॉर्मूला, 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया डी अपॉन डी एस 2 है, 2 बाहर डी अपॉन डी एस दोस्तों ए, तो दोस्तों ए का मान वहां से निकालते हैं जहां से हमने लेट करा, यहां से तो यहां से ए निकालेंगे तो ये जाओ 10 वर्स एक्स, तो यहां लगा देंगे एक्स स्टेप पे, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, लिखना कुछ नहीं है, डी अपॉन डी साथ चल रहा है, फॉर्म लगा दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये नहीं लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑलरेडी डी अपॉन डी साथ लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें दिया हुआ है, तो इट कम्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स आवर आंसर, यही हमारा राइट हैंड साइड होगी, सो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बॉक्स में 1 प्रूव्ड। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दोस्तों ये 68 की तरह है, ये भी इसमें भी थोड़ा सा लेट करेंगे क्योंकि साइन वर्स का डायरेक्ट मानेंगे बहुत भारी हो जाएगा, तो कौन सा लेट करते हैं, देखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वन माइनस एक्स स्क्वायर, दोस्तों ये बनेगा 2 10 1 माइनस टेन स्क्वायर, यानी कि एक लेट कर लेते हैं हम एक्स की जगह साइन थीटा या साइन ही लेट कर लेते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डी अपॉन डी एक्स चलता रहेगा अभी जब तक इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लेंगे, दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट हट जाएगा तो खाली कॉस बचेगा, ये बन गया साइन 2 का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल, दोस्तों कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे डायरेक्ट लिखेंगे इसको, क्या बचेगा 2 थीटा, 2 बाहर थीटा की वैल्यू लगाएंगे दोस्तों क्योंकि हमने माना है साइन थीटा, तो यहां से थीटा निकालेंगे हो जाएगा दोस्तों साइन वर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 बाहर और दोस्तों साइन वर्स का फॉर्मूला यानी डिफरेंशिएशन कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारा आंसर आ गया, ये राइट हैंड साइड हुई, सो का साइन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बॉक्स में 1 कोने में प्रूव्ड। ओके अब दोस्तों 70 और 71 ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू और एक x की वैल्यू दी है, इस पर dy / dx की वैल्यू वो फाइंड करा रहा है, तो ये बड़े दोनों अलग सवाल हैं, थोड़े से देखते हैं कैसे करते हैं, राइट इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्तों, 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 ऊपर ले जाएंगे, डिफरेंशिएशन, नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कम्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला गया दोस्तों, माइनस 1 बाई 2 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3 बाई 2 और दोस्तों अंदर पहुंचेंगे तो 25 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, दोस्तों नेगेटिव है इसे नीचे ले जाएंगे तो बचेगा माइनस का ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, यानी 2x अपॉन 2 ये पावर नीचे हो गई 25 एक्स स्क्वायर 3 बाई 2 से 2 कैंसिल, पुट माने रखने पर एक्स इक्वल टू 203 गिवन वैल्यू हमें 3 दी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना होगा देखते हैं इधर, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दोस्तों एक्स की वैल्यू होगी 3 अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर 3 9 की पावर 3 बाई 2 16
4 स्क्वायर 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, दोस्तों ये हो गया हमारे पास 64, 3 अपॉन 64, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों 71 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वही तरीका, वाई इक्वल टू लॉग एक्स में ये फंक्शन दिया है, एक्स इक्वल टू 4 वैल्यू दी है, डिवाइड अपॉन इसका वैल्यू फाइंड करा रहा है। लेट्स सी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोस्तों लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स और एक्स का करेंगे दोस्तों 2x और इसका 0, फोर्ट में रखने पर 4, देन 4 रखेंगे दोस्तों 8 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 4 चौक 16 प्लस 2 18, दोस्तों हो गया 4 अपॉन 9, ये तो दोस्तों आज हमने 71 क्वेश्चन पूरे कर लिए। हालांकि हमने कई वीडियो में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया, उसकी वजह यह है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही थी, लेकिन आज हमने इस पर विजय प्राप्त कर लिया है और आपने काफी मेहनत से इसको तैयार किया है। और अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए तो दोस्तों नोट्स बना लीजिएगा, और बाकी वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन लेकर आए। अब दोस्तों आपका काम क्या है, दोस्तों इनका और इनका और इसका खास तौर से आपको ख्याल रखना है, और बाकी आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।